नमस्कार दोस्तों, YouTube के हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ Amazon पे अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि ऑनलाइन का टाइम आ गया है, जमाना आ गया है। और आज के दिन में हर एक कस्टमर जो है ऑनलाइन परचेज कर रहा है, मोबाइल से परचेज कर रहा है। कारण क्या है? टाइमली डिलीवर हो जा रहा है, एक्सेसिबल है। और एक दुकानदार के लिए अगर नहीं आपने स्टार्ट किया है तो स्टार्ट कर ले। एक दुकानदार के लिए फ्यूचर में काफ़ी प्रॉब्लम आने जा आ रही है कि मोस्ट ऑफ द कस्टमर हैं अपना ऑनलाइन ही वो ऑर्डर करने जा रहे हैं, और आपको ऑनलाइन आपको आना पड़ेगा। आप लोग भी समझ रहे हैं दोस्तों, अमेजन पे अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा है? एक तो है आपका कस्टमर बेस आपका इंक्रीज हो जाएगा। दुनिया में कोई भी है, किसी को भी सेल कर सकते हैं, लाखों लोग कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं और करोड़ों कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं। बिहार में बैठ करके आप दिल्ली में सामान बेच रहे हैं, गुजरात में सामान बेच रहे हैं, वेस्ट बंगाल में सामान बेच रहे हैं, तो एक एडवांटेज है। अगर आपके यहाँ बिजनेस अगर चल गया, सब कुछ सही रहा, तो डेली का 5,000 तक, डेली का 100 ऑर्डर तक लग सकता है, और डेली का 5 से 10 हज़ार रुपये तक आप कमा सकते हैं, जो कमा रहे हैं। और दोस्तों, दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर अमेजन पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो अब उसमें रेंट का पैसा जो है बच जा रहा है। अमेजन पे बिजनेस अगर आप जानते हैं कि ये कोई दुकान है पॉश इलाका में, कनॉट प्लेस में है, तो 30 से 50 हज़ार रुपये बस उसका रेंट जा रहा है। मैं रेंट ही एक बिजनेसमैन को मार दे रहा है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ऑनलाइन अब सेल कर रहे हैं, इसमें कहीं पॉश एरिया में आपको दुकान होने की जरूरत नहीं है। 2-3 हज़ार 5 हज़ार तक में भी कोई रेंट पे कोई कमरा ले ले तो वहाँ से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो वो आपकी सेविंग हो गई, ये कॉस्ट कम हो जाएगा, आप प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो जाएगा। एक एडवांटेज ये दोस्तों, चलिए हम आते हैं एक बिजनेस जो है अमेजन पे स्टार्ट करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग द GST। GST नंबर दोस्तों होना बहुत ज़रूरी है। बिना GST के आप अमेजन पे प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हैं। जोस्ट अगर GST नंबर नहीं है तो आप किसी चार्टेड अकाउंटेंट से GST नंबर ले लें, किसी टैक्स कंसल्टेंट के पास जाए, वो भी आपको GST नंबर दे देगा। नहीं तो किसी कोई साइबर कैफे भी आजकल में दे रहा है, और ये कोई बहुत बड़ा टिपिकल चीज़ नहीं है। खुद से भी GST नंबर आप ले सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कैसे अपना GST की नंबर क्रिएट करें। उसके लिए बस आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर चाहिए। और उसके बाद दोस्तों, मोबाइल में अमेजन सेलर ऐप आप डाउनलोड कर लें। अगर आपके पास में लैपटॉप नहीं है तो अमेजन सेलर अकाउंट डाउनलोड करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे अमेजन सेलर अकाउंट जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो उसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए अपना मोबाइल पे OTP आएगा, OTP से रजिस्टर करिए, ईमेल ID डालिए अपना, GST नंबर डालिए, पैन कार्ड डालिए, और दोस्तों अपना एड्रेस डालिए, बिजनेस का आप नाम डालिए, किस नाम से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो डालिए दोस्तों, लैंडमार्क डालिए आप, और कहाँ से पिकअप होगा उसको वो भी एड्रेस आप डालिए। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं, इसमें अमेजन इजी शिप सर्विस है। ये जो है अमेजन वाले खुद से आते हैं, अपने सामान को आपके यहाँ से ले जाते हैं और कस्टमर को डिलीवर करते हैं। दूसरा है शिपिंग यूजिंग ओन कुरियर, मतलब कि अपना खुद के ये ऑप्शन नहीं है तो अपना खुद से आप कुरियर आप कस्टमर को कर सकते हैं, जो भी आपके पास में ऑर्डर आया है। तो मैं रिकमेंड करूंगा इस पे जाइए, आप अमेजन इजी शिप सर्विस पे जाइए। इसमें कॉस्ट जो है कम रहता है, लॉजिस्टिक का, डिलीवरी का, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। और दोस्तों फिर उसके बाद में आपका स्टार्ट हो गया, जब लॉग इन हो गया और आपका अमेजन पे अकाउंट क्रिएट हो गया, तो ऑर्डर आने से 1 हफ्ते पहले आप अमेजन का पैकेट मंगा लें, ऑनलाइन आप डिलीवर कर लें अमेजन पे ही। क्योंकि अमेजन जो भी कस्टमर के पास में कोई सामान पहुंच रहा है तो अमेजन का लोगो उसमें होना जरूरी है, कि कस्टमर को बता रहा है कि अमेजन से ही सामान आ रहा है, कोई फेक प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, दूसरे से नहीं आ रहा है।
और अमेजन का टेप भी ऑर्डर कर सकते हैं लोगों के लिए, उसको चिपकाते वो भी सही रहेगा, क्योंकि कस्टमर को लगे कि ये सामान जो है अमेजन से ही आ रहा है। कई बार कस्टमर को लगता भी नहीं है कि वो किसी इंडियन सेलर किसी दुकानदार से वो परचेज कर रहे हैं, उनको लगता है कि डायरेक्ट हम अमेजन से परचेज कर रहे हैं, तो उसमें विश्वास जो है ज़्यादा रहता है। फिर दोस्तों अमेजन पे आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बहुत आसान भी नहीं है, काफ़ी मुश्किलों से आपको झेलना पड़ेगा। सबसे पहला प्रॉब्लम है अमेजन पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं एज ए बिजनेसमैन, तो ये रिटर्निंग का प्रॉब्लम है। कई बार होता है कि कस्टमर बस ऑर्डर जो है अपने बस ट्रायल के लिए कर देता है और उसको रिटर्न मार देता है, तो इसमें कस्टमर का कोई लॉस तो होता नहीं है। लॉस जो होता है ये सेलर का लॉस होता है, अमेजन का भी कोई लॉस नहीं होता है। तो अमेजन से पैसा जो काटेगी आपके अकाउंट से काटेगी, तो इस पर आप ध्यान रखिए, जो चीज़ प्रोडक्ट जो कलर कस्टमर जो चूज कर रहे हैं वही कलर दें, दूसरा नहीं दें, नहीं तो कस्टमर जो है ये इसको रिटर्न कर देगा और लॉस आपको होगा। जो कस्टमर को दिख रहा है वही चीज़ आप डिस्पैच करें यहाँ से। और कई बार ये भी दोस्तों ये होता है कि कई चोर बैठे हुए हैं कस्टमर मार्केट में, आपसे सामान परचेज कर लिया आपने, जैसे कि स्टूल आपने परचेज कर लिया प्लास्टिक का, और उधर से वो जो 400 रुपये का है उधर से जो रिटर्निंग में वो मग छोटा सा मग 10 रुपये का है 5 रुपये का उधर से रिटर्न कर देते हैं, इसमें आपका लॉस होने का चांसेस रहते हैं। तो ऐसा जो केस आए तो इसको आप अमेजोन कस्टमर केयर पे आप इसको रिपोर्ट करिए जरूर। जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो अमेजन बोलती है कि टैग करके बिजनेस स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अमेजन चाहती नहीं है कि कस्टमर जो है दुकानदार उस पर सेल करे, उनका खुद का दो तीन सेटअप है, सब्सिडरी है जिससे वो कस्टमर को सेल कर रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन है जो छोटे दुकानदार को अलाउ कर रहे हैं सेल करने के लिए, कि इतने परसेंटेज तक ही अमेजन सेल करेगी और बाकी इंडियन जो दुकानदार है उसको सेल करना है। दोस्तों जैसे क्लाउड टेल के नाम से अमेजन पे है उनका दुकान है, उससे सब्सिडरी है कंपनी, उसके थ्रू सेल कर रहे हैं। अमेजन बोलती है टैग करने के लिए, और क्लाउड टेल को टैग करती है तो वो ब्लैक लिस्ट कर देगी, अकाउंट बंद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों टैग करेंगे आप किसी इंडियन शॉपकीपर दुकानदार को टैग करेंगे, अगर प्राइस उससे कम है तो उसका बिजनेस रेवेन्यू कम होगा तो उनको प्रॉब्लम होगा, इसलिए कि आपको भी कोई टैग करेगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगा सेल करना चाह रहे हैं ना। तो इसमें दोस्तों अगर आप टैग कर रहे हैं तो क्या होगा, वो दुकानदार जो है उसका लॉस हो रहा है तो वो भी गलत फीडबैक देगा, वो निगेटिव जाएगा आपके लिए, इससे अकाउंट बंद हो सकता है। या जो दुकानदार है जिसको आप टैग कर रहे हैं जिसका लॉस हो रहा है या सेल कम हो रहा है, वो रिटर्निंग सामान मंगा करके फर्जी 4-5 लोगों से मंगा करके वो रिटर्न कर दे रहा है सामान, जिसमें आपका लॉस हो रहा है, ट्रांजिट कॉस्ट जो है वो लॉस हो रहा है, फर्जी ऑर्डर मार रहा है वो, तो इसमें आपका लॉस होने का चांसेस है, और आने जाने सामान टूट रहा है वो भी, इसमें आपका लॉस होगा। ये सब चीज़ दोस्तों ध्यान रखने की जरूरत है, टैग मत करिए, खुद का अपना प्रोडक्ट लिस्ट करिए, वो मैं दूसरी वीडियो में बताने जाऊंगा डिटेल से कैसे प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, नहीं तो कस्टमर केयर में 10 बार कॉल करिए, एक बार नहीं उठाएगा 10 बार उठाएगा, वो समझना है कैसे अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है खुद से। टैगिंग दोस्तों मत करिए, ये आपको मैं रिकमेंड करूँगा। और दोस्तों जो भी डिस्पैच है सामान टाइम से करिए, टाइम से डिस्पैच नहीं करते हैं या डिले करते हैं 2-3 दिन तो ऐसा ही 4-5 के और केस हो गया, कर देगी बंद कर देगी, फिर आपको रिवाइव नहीं कर पाएगी। दोस्तों दूसरा चीज ये है कि जब भी आप अमेजन पे अपना सामान बेचे तो उसको सही तरीके से उसको पैकेजिंग करें, रैप करें, बबल्स मंगा लें, उसको लपेट करके भेजे केयरफुली। कारण क्या है कि आप बिहार से सामान मंगा रहे हैं, गुजरात जा रहा है, वेस्ट बंगाल जा रहा है, दिल्ली आ रहा है, 1000 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो आने जाने में जो सामान जो है ट्रांजिट में लॉस होने का चांसेस लॉस हो जाता है, तो उसको आप ध्यान में रखें। सामान जो अगर टूटने वाला हो तो उसको तो आप जरा केयरफुली पैक करें, क्योंकि नुकसान इसमें आप ही का होने वाला है, और टूटा फूटा सामान अगर कस्टमर के पास में पहुंचेगा तो सीधे रिटर्न कर देगा, उसमें भी लॉस, एक तो ट्रांजिट
वो जो डिस्पैच का जो कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट, वो आपको बियर करना पड़ेगा, सामान टूट गया वो अलग चीज़ है सर। और दोस्तों ये चीज़ जैसे कि आप चूहा दानी है लोहे का, वो आप छोटे सर हाजीपुर से, आप बिहार से, आप दिल्ली आप भेज रहे हैं, तो उसमें क्या है, उसमें आपका ट्रांजिट में जब कस्टमर के पास से पहुंचेगा तो टूटा फूटा पहुंचेगा, वो रिटर्न मार देगा। तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान। दोस्तों जब भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करें, जो सामान जो रखे, आप बहुत ज़्यादा सेल को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा उसको सामान को प्राइस कम नहीं रखें, इसलिए प्राइस अगर कम रहेगा तो उसमें लॉस आपका है। अब जैसे 100 100 रुपये का आप कोई प्लेट बेच रहे हैं, डिस्पोजेबल प्लेट बेच रहे हैं, डिस्पोजेबल प्लेट बेच रहे हैं और वो रिटर्निंग आपका हो जा रहा है, तो उसमें क्या होगा कि सारा जो आपका प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट जो है आपका उसमें चला जाएगा, जो रिटर्निंग का जो कॉस्ट है बियर करने में चला जाएगा, तो उसमें दोस्तों आपका वो लॉस हो सकता है। दोस्तों कई आइटम जो है रेस्ट्रिक्टेड आइटम है, जैसे थर्मोकोल है, थर्मोकोल का जो प्लेट है वो रेस्ट्रिक्टेड आइटम है, और भी कुछ एक लिस्ट है अमेजन पे, उसको पढ़ ले, वो रेस्ट्रिक्टेड आइटम आप, मैं रिकमेंड करूंगा उसको मत सेल करें, अगर कोई कंप्लेन कर दिया तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो दोस्तों इसको रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट को आप अमेजन पे सेल मत करें, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यूनिक प्रोडक्ट सेल करें वो आपके लिए सही है। दूसरा दोस्तों मैं बताना, अगर अमेजन पे सेल करना चाह रहे हैं, आपका प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो क्या करें, चार पांच दोस्तों को आप ऑर्डर करें, उनको बोले उनके मोबाइल ऐप से आप ऑर्डर मारें अपने प्रोडक्ट को, और वहां से जैसे वो ऑर्डर आएगा, जितना ऑर्डर बढ़ेगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर विजिबिलिटी हो कस्टमर के पास में आएगी, उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट जो है सेल होगा और नंबर ऑफ ऑर्डर जो है आपका इंक्रीज होगा। तो स्टार्टिंग करें तो स्टार्टिंग में चार पांच दोस्त को फर्जी ऑर्डर, मतलब कि वहां से मोबाइल के ऐप से डलवाएं और उनको आप डिलीवर करें, ऐसे यही चांस है अमेजन पे सेल इंक्रीज करने का। और जैसे जैसे आप अमेजन पे बिजनेस ग्रो। दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा जो मैं स्टार्टिंग में भूल गया, कि जब भी जैसे कि कई बार जो है ना ऑर्डर जो लगता है, कोई जो आता है कस्टमर जो है वो इजी शिप के थ्रू वो डिलीवरेबल नहीं होता है, तो इसको आपको खुद से कुरियर करना पड़ता है। जैसे कोई मेघालय से आ गया, रिमोट एरिया हो गया, मऊ यूपी से ऑर्डर आ गया, कस्टमर बैठा है कोई गांव देहात में बैठे बैठा है, तो वहाँ पे जो है अमेजन इजी शिप सर्विस का कि वो सर्विस नहीं है, तो वहाँ उसको उसको पहुँचाना भी, उसको डिलीवर भी करना है, ये बस जैसे का कंडीशन है। तो दोस्तों इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आप रिमोट एरिया से अगर ऑर्डर आपके पास में आ रहा है और इजी शिप का ऑप्शन नहीं है, तो आप उसको बाय इंडिया पोस्ट के थ्रू आप उसको कुरियर कर दें, आसानी से उसको पहुंच जाएगा, और जो भी बार कोड, जो भी नंबर है, डिस्पैच नंबर है, उसमें आप डुल कर दें, डिलीवर हो जाएगा और कस्टमर के पास में पहुंच जाएगा और इसका पैसा आएगा आपके पास में। और दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अमेजन से आपका सेल हो रहा है और कुछ भी प्रॉफिट है, वो आप एश्योर रहिए कि अमेजन वाला चोरी नहीं करेगा आपका, एक एक पैसा आपका लौटाएगा, बस कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, अगर उस चीज़ को आप ध्यान में रखें तो सक्सेसफुल अपना बिजनेस आप ग्रो कर सकते हैं अमेजन पे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।